आज हम पढ़ेंगे ट्रांसपोर्टेशन इन हाइड्रा के बारे में. और हाइड्रा की बात की जाए कि हाइड्रा क्या है, तो जैसे कि यहाँ पर हम डायग्राम में देख रहे हैं किसकी डायग्राम है, हाइड्रा के डायग्राम है. और जो कहाँ पर पाया जाता है, फ्रेश वाटर में, मतलब इसका जो हैबिटेट है वो फ्रेश वाटर. फ्रेश वाटर कौन सा वाटर है, जो हम कह रहे हैं कि रिवर लेक्स का, मतलब ये कि जो दरिया और नदी नाले हैं उनका जो पानी है उसे फ्रेश वाटर कहा जाता है. और अगर हम फर्दर स्ट्रक्चर्स की बात करें तो हम देख रहे हैं कि हाइड्रा के ये जो स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है इसे टेंटिकल्स कहा जाता है, ये जो रीजन है माउथ. इसके अलावा हम देखते हैं कैविटी प्रेजेंट है जिसे कि गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी कहा जाता है. गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी को जो लाइन कर रहे हैं गैस्ट्रोडर्मिस. इसी तरह से हम देख रहे हैं कि आउटर लेयर एपिडर्मिस, इसमें सिंपल नर्व नेट प्रेजेंट है. और हम देखते हैं गैस्ट्रोडर्मिस और एपिडर्मिस के दरमियान जो है वो जो प्रेजेंट है उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें कहा जाता है मेसोक्लिया. अब अगर हम ट्रांसपोर्टेशन की बात करें कि ट्रांसपोर्टेशन किस तरह से होती है, तो उसमें थोड़ा हम डिटेल में देखते हैं हाइड्रा के स्ट्रक्चर को. और उसमें हम देखते हैं कि जो इसकी आउटर लेयर है उन्हें कहा जाता है एक्टोडर्म और इनर लेयर जो है एंडोडर्म. फर्दर हम देखते हैं कि अगर हम बात करें ट्रांसपोर्टेशन की, तो उसमें हम देखते हैं कि जब कोई भी फूड इनटेक होता है तो उसमें क्या इन्वॉल्व है. उसमें हम देखते हैं कि इनके पास स्पेशल टाइप के सेल्स हैं जो कि इसकी आउटर लेयर में प्रेजेंट हैं, जिन्हें कि नेमेटोसिस्ट कहा जाता है, जो हेल्प करते हैं प्रे को कैप्चर करने में और फूड को इनटेक करने में. अब जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अगर हम बात करें तो हम देखते हैं कि हाइड्रा के पास जो है वो लार्ज सरफेस एरिया है टू वॉल्यूम रेशो. तो इसकी वजह से क्या हो सकता है, मतलब इसकी वजह से जो हेल्प हो के हाइड्रा को वो ये कि जो एक्सचेंज ऑफ मटेरियल है वो डिफ्यूजन की मदद से भी हो सकता है. क्योंकि हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जो आउटर लेयर है जो एक्टोडर्म है उसका कॉन्टेक्ट किसके साथ होगा, वाटर के साथ होगा. तो हम देख रहे हैं कि जो एक्सचेंज ऑफ गैसेज है वो डिफ्यूजन की मदद से भी हो सकता है, मतलब एक्सचेंज ऑफ गैसेज ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड. इस तरह से फर्दर अगर हम देखें और फूड की ट्रांसपोर्टेशन की बात करें, तो उसमें हम देखते हैं कि जो फूड इनटेक होगा तो उसके बाद इसके सेल्स हैं स्पेशल टाइप के जो कि एंजाइम सिक्रीट करते हैं, वो एंजाइम्स जो है इसको फूड को जो कहाँ पर प्रेजेंट होगी गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी में उसको डाइजेस्ट करेंगे. और डाइजेस्ट करने के बाद हम देखते हैं फर्दर वो वाले जो पार्टिकल्स हैं वो एंडोसाइटोसिस की मदद से सेल के अंदर चले जाते हैं. अब अगर एंडोसाइटोसिस की बात की जाए, तो जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अगर एंडोसाइटो का मतलब यह होता है कि उसने इसको इनगल्फ कर लिया, मतलब ये कि निगल लिया. अब जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो सेल्स हैं इन्होंने एक इन्वेजिनेशन बनाई और उस इन्वेजिनेशन में फर्दर ये जो डाइजेस्टेड पार्टिकल है या फिर हम कह रहे हैं कि इसकी फर्दर जो अभी डाइजेशन होनी है उसको इनगल्फ कर लेगा. इनगल्फ करने के बाद जो इसकी फर्दर डाइजेशन है वो कहाँ पर होगी, सेल के अंदर. और फिर फर्दर जो है हम देखते हैं कि जो वेस्ट मटीरियल है वो क्या कर दिया जाता है, वो एक्सोसाइटोसिस की मदद से सेल्स से बाहर कहाँ पर लाया जाता है, गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी में. और गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी से फिर वो फर्दर, इनके पास एक ही ओपनिंग है जिसे माउथ कहा जाता है, जिसको वो यूज़ करते हैं इनटेक के लिए भी और इजेशन के लिए भी. मतलब ये कि जो वेस्ट मटेरियल्स हैं वो कहाँ से बाहर जाएंगे, इसी ओपनिंग से जिसे कि माउथ कहा जाता है. और अगर एक्सोसाइटोसिस की बात की जाए, तो उसमें हम देखते हैं कि उसी तरह से क्या होगा कि ये जो मटीरियल है ये सेल से बाहर आ जाएगा. फर्दर अगर हम देखें तो हम देखते हैं कि डिफ्यूजन की मदद से क्या होगा कि वो जो हम कह रहे हैं कि न्यूट्रिएंट्स हैं वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे बाकी सेल्स में भी. मतलब ये कि जो डाइजेस्टेड फूड है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी बाकी सेल्स में. अगर डिफ्यूजन की बात की जाए कि डिफ्यूजन क्या है, तो हम देखते हैं कि वो प्रोसेस, वो अमल जिसके ज़रिए से हम कहते हैं कि जो न्यूट्रिएंट्स हैं या फिर हम अगर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें गैसेस की, तो उनका फ्लो होता है हायर कंसनट्रेशन से लो कंसनट्रेशन की तरफ. मतलब ये कि जहाँ पर उनकी मकदार ज़्यादा है वहाँ से किस तरफ को, जहाँ पर उनकी मिकदार कम है. तो जैसे कि हमने ऊपर बात की थी कि हाइड्रा क्या है, वो टू लेयर्ड हैं, जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं दोबारा से कि क्या है, टू लेयर्ड हैं. और इनके सरफेस एरिया की बात की जाए तो इनका सरफेस एरिया काफ़ी ज़्यादा है. तो जो हम ट्रांसपोर्टेशन की बात कर रहे हैं, तो उसमें हम देखते हैं कि डिफ्यूजन के ज़रिए से क्या होती है, ट्रांसपोर्टेशन होती है. तो स्टूडेंट्स, आज हमने क्या स्टडी किया, आज हमने स्टडी किया ट्रांसपोर्टेशन इन हाइड्रा के बारे में.